हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वप्निल और स्मैशिंग क्यूजीन्स में आपका वेलकम करती हूं। आज मैं आपके लिए एक स्वीट या डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बनाने में बहुत आसान है। और आज हम बनाने वाले हैं कलाकंद। ये बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनती है, बिल्कुल मुंह में रखते ही घुल जाने वाली रेसिपी है ये। और अगर आप इसको बिल्कुल भी मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन में 2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप मिल्क। जो आप दूध ले रहे हैं वो आपको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, गर्म दूध आपको नहीं यहाँ पर इस्तेमाल करना है। दोनों ही चीज़ों को एक स्पैचुला या फिर एक चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमने इस पैन को आँच के ऊपर नहीं रखा है, अभी हमें इसे गर्म नहीं करना है। बिल्कुल जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्स बन के लंप फ्री मिक्स बनाकर हमको कर लेना है तैयार। तो ये देखिए, इस तरह हल्के हाथ से स्पैचुला घुमाते हुए दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि यहाँ पर हमारा एक स्मूथ मिक्स बन के तैयार हो गया है। तो मैंने 1.5 कप, जिस कप से मैंने पाउडर मिल्क को नापा था उसी कप से मैंने पनीर भी नाप लिया है, और यहाँ पर मैंने उसी कप से 1.5 कप ग्रेटेड पनीर या किसा हुआ पनीर ले लिया है। आप चाहें तो हाथ से क्रम्बल करके भी पनीर को यूज़ कर सकते हैं। पनीर को डालने का बस हमारा ये पर्पस है कि जो हमारी बर्फी है वो काफ़ी दरदरी, ग्रैन्यूलेटेड, रवीली बनेगी। अब देखिए, दोनों चीज़ों को आपको हल्के हाथ से ही मिलाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको मिक्स ना करें, नहीं तो पनीर जो है वो वैसे ही किसा हुआ है और काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा कहीं टूट ना जाए। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाना है। और यहाँ पर अभी मैंने शुगर मिक्स नहीं की है, शुगर हम बिल्कुल एंड में मिक्स करेंगे इस बर्फी के लिए। और शुगर थोड़ी कम ही मिक्स करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मिल्क पाउडर होता है उसमें अपनी काफ़ी ज़्यादा मिठास होती है। मिल्क पाउडर की जो क्वालिटी होती है वो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही मिल्क पाउडर लेना है, और शुगर कंटेंट क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। इलायची से जो फ्लेवरिंग होगी इस बर्फी की वो बहुत ही अच्छी फ्लेवरिंग होगी। आप चाहें तो गुलाब का एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें, केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन इस मिठाई के लिए यहाँ पर इलायची पाउडर एकदम बेस्ट होता है और बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर इसमें आ जाता है। अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अपने पैन को स्टोव के ऊपर रख दिया है, और मैं एकदम लो फ्लेम में कंटिन्यूसली इस मिक्स को चलाती रहूँगी। आपको मिक्स को बिल्कुल कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो मिक्स कभी कभार बर्तन के नीचे लग भी सकता है, स्टिक हो सकता है और वो जल भी सकता है। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर रेगुलर जो बर्तन नॉन स्टिक नहीं है अगर उनको यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो मिक्स है धीरे धीरे चलाते हुए काफ़ी ड्राई हो गया है, उसका वाटर कंटेंट काफ़ी कम हो गया और पैन भी छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पर अब हमको यहाँ पर ऐड कर देनी है 1/2 कप पाउडर्ड शुगर। मीठे का अंदाज़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम मीठा बना रही हूँ आज यहाँ पर। तो 400 ग्राम मिल्क पाउडर के लिए मैं यहाँ पर 1/2 कप पाउडर्ड शुगर यूज़ कर रही हूँ। मिल्क पाउडर में, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी सी मिठास पहले से रहती है, उसमें शुगर रहती है पहले से ही, तो इसलिए शुगर का इस्तेमाल करते वक्त हमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस और केयरफुल रहना है कि मिठास इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। ये देखिए, जो हमारा मिक्स है अब बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको हल्का, जब ये गर्म रहेगा तो तभी मैं इसको एक जो हमारी ट्रे होती है या जो बर्तन है जिसमें हमको बर्फी जमानी है उसमें हल्का सा गरम गरम ही आपको ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है अपनी बर्फी को सेट होने के लिए, और उसमें थोड़ा सा घी से मैंने उस ट्रे को ग्रीस कर लिया है।
अब मैंने पूरा मिक्स उस ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया है और स्पैचुला या फिर एक स्पून की हेल्प से आप पूरे मिक्स को दबाते जाएं, हल्के हाथों से पैट करते जाएं और उसको एक अच्छा सा स्क्वायर शेप दे दें और ऊपर से काफ़ी स्मूथ कर दें, जिस तरह से बर्फ़ी होती है ऊपर से एकदम काफ़ी प्लेन सी होती है, तो उस तरह से आप इसको स्मूथ कर दें। चाहें तो किसी चिकने बर्तन से भी आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से स्मूथ कर दिया है, ऊपर से प्लेन कर दिया है। अब मैं इसमें गार्निश कर दूंगी कुछ पिस्ते, मेरे पास कटे हुए पिस्ते हैं। यहाँ पिस्ता अगर आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आपको मिल जाएगा आपकी बर्फ़ी में। बहुत सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल मुंह में रखते ही घुल जाने वाली। अब इसको एक चम्मच की हेल्प से प्रेस कर दें जिससे कि ये पिस्ता इसमें सेट हो जाए और थोड़ी देर के लिए आपको इसको फ्रिज के अंदर रख देना है सेट होने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप रख दें। तो ये देखिए जो हमारी बर्फ़ी है ये मैंने अब फ्रिज से बाहर निकाल ली है और ये अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे कि ये सेट भी हो गई है बिल्कुल ठीक तरह से। तो अब मैं एक पतला सा नाइफ़ ले लूँगी और इसको मैं कट करूँगी। नाइफ़ को आपको हर बार काटने के बाद एक बार क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही आपको दोबारा काटना है बर्फ़ी को। तो ये देखिए मैंने इसको स्क्वायर शेप्स में काट लिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मार्केट में मिलती हो। ये देखिए कितने अच्छे इसके पीसेस भी निकल रहे हैं। थोड़ी सी ग्रैन्यूलेटेड ये बर्फ़ी बनती है तो कभी कभार हल्का सा कुछ टुकड़ा रह जाता है, लेकिन बहुत अच्छे इसके पीसेस कट भी जाते हैं और बिल्कुल यह हमारी जो बर्फ़ी है एकदम मार्केट जैसी बनी है, बिल्कुल शानदार और उसी मार्केट जैसा लुक भी आया है इस बर्फ़ी में। वीडियोस को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नेम है smashingcuisines20। डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। मैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। अपना ख्याल रखें और हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।